कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी कि शहनाज गिल जो है वो बहुत जल्द डेब्यू करने वाली है सलमान खान के साथ, और ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल में भी ये चीज़ बताई गई थी, और इसी के चलते नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर पर भी ये न्यूज़ जो थी वो आ चुकी थी बॉलीवुड पेज पे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ भी लिखा हुआ शहनाज कर रही है डेब्यू, सलमान की बहनोई संग जमेगी जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह की खबर जो है वो यहाँ देखने को मिली है, और एक और न्यूज़पेपर है वहाँ भी ये चीज़ देखने को मिली, वहाँ भी लिखा था बॉलीवुड डेब्यू में सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में नजर आएंगी शहनाज। जी हाँ दोस्तों, और वहीं नीचे लिख रखा है कि शहनाज जो कि बिग बॉस 13 में पॉपुलर हुई, फेम हुई, और वहीं अब उनकी एंट्री जो है वो सलमान खान की मूवी जो है कभी ईद कभी दिवाली, उसमें आएगी शहनाज। अभी तक दोस्तों ये चीज़ जो है क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर में ये चीज़ आई है, तो इससे लगता है कि काश ये सच हो, ये न्यूज़ जो है वो सच होनी चाहिए, क्योंकि फैंस जो हैं वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि शहनाज गिल जो है वो मूवीज़ में दिखे। और यही मैंने आपको कुछ दिन पहले जो है वो शहनाज गिल का बताया था कि शहनाज गिल जो है फाइनली सलमान खान के साथ मूवी में आने वाली है, दिखने वाली है, और ये बड़ा सरप्राइज़ है फैंस के लिए, बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है दोस्तों। और वहीं कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने ट्विटर पर बताया था, जैसे ये चैनल है glamsham.com, इन्होंने भी ये हेडलाइन जो है वो बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि न्यूज़पेपर पे ये बात आ चुकी है, अभी ये कितनी कंफर्म है कितनी नहीं आगे मैं आपको अपडेट दे दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।